Look at this, it looks so tasty, I need to eat it right away. Kabutar ka, 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 kabutar. Are paapre, paapre, paapre. That texture, that crunch, ooh, and that greasy feeling as it glides down my throat. Oh yes, can't forget that savory flavor of condensed minerals seared in high heat to protection to perfection. It's a taste explosion. It's restoring my strength. I'm like a phoenix reborn and ready to fly. In fact, I am Death Mountain. Wah ji wah. Kya ho raha hai bhai? Matlab weird as hell. Now I'm full and my belly is happy. Let's do this. Ab phodenge mind, ab kholenge mind ko. Chalo bhai, lag jao kaam pe. Go on power, go! Kya? Arre arre arre, arre vaji. तो यारो कैसे हो, उम्मीद है लॉकडाउन में मौज कर रहे होगे। आज हम लेके आ गए वापस अपना लेजेंड ऑफ जेल्डा का प्ले थ्रू, जहाँ पे हम है गोरोन सिटी में। ये कुछ जा रही हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं अपना इंट्रो दे दूंगा। सबोटा अ बिट अर्ली टू फ्लर्ट इजंट इट दैट्स नो वो ओह दैट्स टू बैड हु आर यू आई एम रमेला एज यू कैन सी आई एम फ्रॉम द गरुडो रीजन आई केम फॉर द ज्वेल्स दैट आर टू बी फाउंड इन गोरोन सिटी. The eruptions on Death Mountain have finally come to a stop. As a result, we started restocking jewels. Oh, do you have some amber too? I need a whole lot of it. Bring me 10 of them and I'll buy them for more than a shop would pay. Okay. तुम्हारे पास कितने amber हैं, आपको क्या लगता है? Amber तो होने चाहिए, पर अच्छा last time उन्होंने sell off कर दिया था, 7 हैं। ठीक है, we'll meet her again later. याद रखिएगा, ये ज़्यादा पैसे देती है इधर उधर देने से, तो अच्छा है कि इसी को दो। और यहाँ मुझे कहीं याद है कि एक श्राइन क्वेस्ट हमको मिला था गाइस। अगर ये 100% वॉक थ्रू इसको कहीं से भी बनाना है, तो हमको सारी श्राइन्स पूरी करते रहना चाहिए होगा। आई एम सॉरी, फंबल मारता हूँ मैं अभी भी। और अगर अपने हम क्वेस्ट्स में आए तो साइड क्वेस्ट ठीक है, श्राइन क्वेस्ट ये है और इसको हम करेंगे तैयार। ब्लाडन्स ब्रदर गोंगुरोन शुड हैव बीन बैक बाय नाउ। इट साउंड्स लाइक ही वेंट टू गोरको टनल साउथ वेस्ट ऑफ गोरको लेक टू डिग अप द सीक्रेट ऑफ द हीरो। ओके, सीक्रेट ऑफ द हीरो लेने गया था मायशा, वहीं कहीं रह गए। अच्छा, ये तो उसका डायरेक्शन हमें दिखा रहा है जिसने हमको ये टास्क दिया था, लेकिन हमें जाना है गोरको लेक के पास, गोरको टनल में। गोरको लेक रहा ये, सो टू गेट टू इट आई थिंक ऐसा करते हैं कि यहाँ से अगर जंप करें तो आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, कि सीधा यहाँ ट्रैवल करके और फिर हम लोग वहाँ चले जाते हैं गोरको लेक में। आई थिंक एक और हमारे पास क्वेस्ट है, शायद एक इग्नियो टैलुस को मारने का, शुरू में मिला था हमको, तो वो भी हमको कंप्लीट करना है, वहाँ भी ध्यान देना होगा। ऑलराइट, दाका को श्राइन देखते हैं कि या वहाँ भी कुछ है हमारे पास, क्योंकि एक साइड क्वेस्ट था ये, द रोड टू रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली, तो इग्नियो टैलुस एट दारुनिया लेक। अच्छा, इग्नियो टैलुस को मारना है दारुनिया लेक वाला, मास्टर रोहन की रिस्पेक्ट के लिए। अब दारुनिया लेक तो ये कुछ दिख रहा है, लेक डारमान है ये दारुनिया लेक ये रहा। ओके, तो यहाँ कहीं जो है हमारा इग्नियो टैलुस होगा, ये तो उसके अंदर है, यहाँ पे नहीं आ सकते, वो ट्रेन से जाएगा। सो देखते हैं, फर्स्ट वील फिनिश ऑफ दिस श्राइन क्वेस्ट। यहाँ से ऊपर चले जाते हैं सीधा, बहुत भारी हम लोग ने 60 अटैक पावर का ये उठा रखा है जो अपने हाथों में, पता नहीं कैसे बेचारा क्लाइम कर रहा है। मुझको ये लग रहा है कि कुछ मैं श्राइन्स और पूरी कर लूँ जल्दी से, स्टैमिना व्हील अपना दो व्हील्स पूरे हो जाए ना, तो फिर उसके बाद हम लोग दिमाग लगाएंगे जो है कि अपने हार्ट वेसल्स में थोड़ा सा वो भी देखिए, ज़रूरी तो है ही है, नो डाउट। ये 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 इसके लिए मैं आया था यहाँ पे, इसको मारूंगा पहले। टोपाज एम्बर धना धन, इनको नहीं मारेंगे, ये देंगे छोटा सा एक एम्बर दे देंगे बस। यहाँ आप देख रहे हैं कि इग्नियो टैलुस ऐसे ही हवा में घूम रहा है, अरे लेट गया। अच्छा, वो वापस जम जाता है ज़मीन में। ओके,
एनीवे इसको नहीं छेड़ेंगे यार, एक एक निटारस को हम लोग मार चुके हैं, ऐसे सबको मारते रहे तो फिर तो काम हो चुका अपना। गोरको लेक के पास गोरको टनल उसने कुछ बताया था, ये रहा यार गोरको टनल, उससे तो हम लोग अभी बहुत दूर हैं। इसको मार्क कर देते हैं, वेट, इसको कुछ मार्क कर देने से ये हमारी याददाश्त में रहेगा। अब हमको रेड की तरफ सीधा जंप करना है। ऑल राइट, दैट वे गोरको टनल जाएंगे सीधा। इग्नियोटैलस अभी हमको एक और मारना है ही, वो रोड टू रिस्पेक्ट वाले साइड क्वेस्ट के लिए। सो एक एक को मारने लग गया तो फिर तो ये 100% वॉक थ्रू हो चुका इस गेम का। सीधा जाएंगे अपने गोरको टनल की तरफ, क्योंकि वहाँ पे है श्राइन क्वेस्ट। गाइस श्राइन अपने को करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक एक ऑफ स्पिरिट ऑर्ब है हमारे पास, अभी एक भी नहीं है ब्रो। चार स्पिरिट ऑफ जल्दी से चाहिए ताकि अपना ये स्टैमिना व्हील ख़त्म हो। सबसे पहले तो एक पूरा हो जाए, दूसरा स्टैमिना व्हील पूरा हो तो फिर हम लोग हार्ट वेसल की तरफ दिमाग लगाएं। ये रास्ता कहीं तो मुझको ले जा रहा है, और मुझे लगता नहीं कि मुझे इस रास्ते जाना चाहिए, पर मैं बढ़ता ही चला जा रहा हूँ। लेट्स सी उस पार क्या होने वाला है। आई थिंक यहाँ से कुछ विजुअल मिलेगा। मैप में देख लेते हैं गोरको टनल के आसपास भी। ओ गोरको टनल तो पीछे छोड़ दिया हमने। गोरको टनल ये कहाँ है? अच्छा ये है। ओके ऑल राइट आई गॉट इट गाइस। यहाँ से हम लोग को जाना है अब इधर, और यही है गोरको टनल, ज़्यादा दूर नहीं है गोरको टनल। बिल्कुल सही आ गए हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो ये जो हमारे मोबलिंस खड़े हैं ना गाइस, इनको आई थिंक पहले ही मार देते हैं, क्योंकि जो होने वाला है वहाँ आगे उसके लिए इनको हमें मारना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्राउच करके देखते हैं कि कुछ अपना काम बन पाता है कि नहीं। देखो अब तो अपने पास हार्ट और वेपन्स दोनों ही गुड इनफ आ गए हैं, सो आई थिंक आई कैन ट्राई टू बीट देम रादर देन वो ऊपर से बम फोड़ने वाला काम करने की जगह मैं अब इनको मार सकता हूँ आई थिंक। एंड हेयर इट गोज नथिंग, हो गया काम इसका तमाम। झुक जाओ वापस झुक जाओ सो दैट नोबडी रिकॉग्नाइजेज यू। दूसरा वाला कहाँ है यार? ये चिड़िया एड़िया अगर ये उड़ने लगेंगी तो फिर वो समझ जाएगा कि मैं आ रहा हूँ। अरे ये अपने साथ पहले हुआ था, पिछली बार वो भेड़ बकरी ने किया था, अभी ये चिड़िया विड़िया कर रही हैं यार। अपनी बड़ी बुरी हालत है, कोई इज्जत नहीं दे रहा। लेट्स सी इसको हम लोग मार पाते हैं कि नहीं। इसके बाद आई थिंक और कोई नहीं है, सिर्फ यही दो थे। ओके ये मैंने कौन सा वो पकड़ा हुआ है, ये 40 वाला है कि 60 वाला है? क्योंकि अगर 60 वाला है तो मैं इसको वेस्ट कर रहा हूँ लिटरली, क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है नहीं 60 वाले की यार। सही, जो सही बात है, अभी ये मैंने 42 वाला ही पकड़ा है, सही किया। क्योंकि जो मैं दूसरा मार रहा हूँ तो वो 42 वाले का पूरा एक हिट भी लग रहा है, और उसको चाहिए कुछ नहीं था, उसको एक छोटा सा ड्रिल शाफ्ट भी मार देता अब उस वक्त। तो यहाँ पे कुछ है तो ये चिड़िया तो गई भाई, ड्रिल शाफ्ट से मारेंगे ये चिड़िया तो गई। कहाँ जाओगे बेटा, कहाँ जाओगे? ये तो गई, ज़बरदस्ती खड़े खड़े उड़ा दिया था हमको। रॉ होल बर्ड, ओके हाँ जी भाई साहब क्या कर रहे हैं? कॉफ कॉफ वीज व्यू आई एम स्पेंट टू थिंक दैट समवेयर बिहाइंड ऑल दिस रबल इज दिस सीक्रेट ऑफ द हीरो। आई नो आई विल बिकम रियली ग्रेट एंड इम्पॉर्टेंट इफ आई कैन फाइंड इट। माई ओनली प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू गो ऑन। माई बेली इज एम्प्टी एंड रंबलिंग लाइक मैड। वॉट टू डू ब्रदर? सो दिस इज वेयर यू हैव बीन। अच्छा कोई दूसरा आ गया, ये आ गया उसका भाई। अरे भाई तुम्हें खुद ढूंढना था तो हमें क्यों भेजा इतना दूर लंबा? I tried to think like my brother and to what he would do so I could find him. I need you to do me a favor as a brother. I can't just sit idle by. I have to help him. Exit here and head down the hill to Gortram Cliff. There you can find rock roasts rolling around. I need you to please grab one of them for me. I'd like more than anything to go there and get it myself. It's just, well, I have a chronic condition. Yeah, it's called Goron shoulder. Very serious, I'd rather not talk about it. Needless to say, I expect a lot from you. Please don't let me down. Okay. All right. So ये गोरोंस की आदत ही है शायद, पीछे हम लोग को जो है पूरा पूरा डिवाइन बीस्ट करवा दिया इन्होंने। ऐसे ही यार ये वापस आ गए यार, दोनों वापस आ गए यार। क्या चल रहा है भाई, क्या चल क्या रहा है? ये दोनों वापस आ गए, अभी फिर इनको सबको मारो।
ये देख लिया इसने, अरे देख लिया, उसको भी बता देगा क्या? अरे नहीं, फायर एरो मार रहा है। कोई नहीं 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 भाई, कोई नहीं, तुम्हें हमें ढूंढना आता है। आई थिंक इनको मारने के लिए कुछ खास मेरे पास नहीं है। हाँ, वेपन मैंने सही ले लिया, आई थिंक दैट शुड वर्क। और ये ले 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 ये ले, गिर तू नीचे। और इतना नीचे गिरी इतना नीचे गिर जाएगा मुझे नहीं मालूम था, पर व्हाटएवर, गुड फॉर मी। इस पर एरो शैरो हम चला सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक एरो से कुछ होगा नहीं, और इसको इससे अच्छा है कि धीमे से जो है क्राउच करके मार दें। हाँ करेक्ट करेक्ट, दैट्स द वे। आहा आहा, स्नीक स्ट्राइक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आ गया। एंड यो, ये सही लगता है भाई, ये स्नीक स्ट्राइक बहुत ही सही लगता है, क्या बढ़िया आइटम। चलो वन डाउन वन टू गो। हाँ पहले तो इसके पार्ट्स उठाएं उड़ जाने से पहले। यस एग्जैक्टली लाइक दिस। और ये एरो अगर इसका एक भी हमें लग जाएगा तो आई थिंक वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव, तो एरो नहीं लगने दे सकते हम, इसको ऐसे ही मारना होगा इन दीज कंडीशंस ओनली। बिल्कुल ठीक, ये टू हैंडेड वेपन्स की एक खासियत है मैं आपको बताऊं, ये अगर पड़ते हैं तो फिर जो है ये गिर जाते हैं नीचे ये लोग। जल्दी से कुछ खा लें पहले, उसकी एक लात मेरी इतनी धज्जियाँ उड़ा सकती है। आर यू गाइज वॉचिंग, एक लात से मेरी बैंड बच गई भाई, मतलब वॉट इज़ दिस। हाँ एग्जैक्टली, सो ये आपने देखा दारू कैसे काम करता है, और ठीक इस तरह से हमको अपना वो एल जी वाला प्रेस करना है बटन, और एक ओमेगा रूबी टाइप का कुछ आइटम निकल के आ जाता है जिसके बाद हमको कोई डर नहीं रह जाएगा इनका, क्योंकि जो भी अटैक हम पे पड़ेंगे वो आइदर वापस उनके ऊपर गिर जाएंगे, और अगर वापस नहीं गिरते हैं तो फिर हमको लगेंगे तो नहीं, एटलीस्ट वी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट। सो वी हैव फाइनली गॉट आर रॉक रोस्ट। ये गोरॉन्स पत्थर खाते हैं लिटरली, तो हमें रॉक रोस्ट मिल गया, अब हमारा काम है बस चुपचाप इसको ऊपर लेके जाना। ये मोबलिन वापस जिंदा हो गया यार, और तीन है ये, तो ये रॉक रोस्ट को यहाँ बिठा दें शांति से, क्योंकि इनको जो है करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा वेट। अब यहाँ ये तीन मोबलिन हमारे सामने खड़े हैं, और जाना हम लोग को इसी रास्ते है अपहिल। कैसे इनसे लड़ा जाए, मैं पहले इसीलिए सबको हराता हुआ आया था लेकिन दैट डिडंट वर्क एट ऑल, और ये सब वापस रिस्पॉन हो रहे हैं। अच्छा किसी ने हम पे फायर एरो मारा और हमारे जो वो है उसने उसको पकड़ लिया, दैट्स गुड। ये डबल हैंडेड स्वॉर्ड्स का यही फ़ायदा है कि ऐसे एक बार में जो है ये सीधा उसको गिरा ही देते हैं नीचे। जल जा जल जा जल जा, जल गया। ऑलराइट कूल, तो वन डाउन टू टू गो, और दोनों के पास ही ब्रो तलवार, सॉरी तलवार नहीं बो है, फायर एरोज़ हैं। हमारा रॉक रोस्ट है ना यहाँ पे, हाँ रॉक रोस्ट हमारा है यहाँ पे। सो इसको और ऊपर ले जाने के लिए ऐसा करते हैं कि थोड़ा ऊपर ले ही आते हैं इसको यार, जितना ऊपर ले आओगे उतना अच्छा है, धीमे धीमे ऐसे ही करके ऊपर ला पाएंगे हम इसको वापस। तो अभी के लिए इसको यहाँ पे बिठा देते हैं। ऑलराइट, एंड अब ये दो बचते हैं, इनको कैसे मारना है लाइक आई हैव रियली नो आइडिया। इनको मारने में हमारी बहुत बैंड बजने वाली है। ये फायर एरो जो है ना इनके, देर इज़ नो वे कि इनसे बचा जाए, क्योंकि और एक भी अगर उन्होंने मार दिया हमको तो बस हमारी बैंड बच जाएगी, दैट्स इट। बस एक रिक्वायर होगा, एक की ज़रूरत पड़ेगी एंड वी विल बी आउट, ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे, एक में ही हमारा काम हो जाएगा। अच्छा अब हमारे पास जो है कि सारे वो ख़त्म हो गए जो हमारे ये आ रहे थे ना, ये जो हमारे आ रहे थे। आई थिंक आई शुड स्विच टू अ सिंगल स्वॉर्ड, क्योंकि मुझको चाहिए शील्ड, इस समय शील्ड बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो एक सिंगल कोई अच्छी सी स्वॉर्ड है मेरे पास, क्या इसमें आग लग जाएगी? ओके सो लाइजॉल ट्राई बूमरैंग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि शील्ड अभी अपने को ज़रूरी है। ये थोड़ा सा अटैक कम पड़ेगा इसको चलेगा, मेरी ये जो मेरी बूमरैंग है ये वेस्ट हो जाएगा, ये भी चल जाएगा फिलहाल, लेकिन ये शील्ड अभी आगे करनी पड़ेगी क्योंकि एक एक फायर एरो हमारी बैंड बजा सकता है लिटरली, एक एक फायर एरो। वी कैन नॉट अभी जो है ना, वी कैन नॉट अफोर्ड अ फायर एरो हिटिंग दस। आई थिंक दैट्स इट,
नहीं बचा है, गया। सो ये गए हमारे तीनों मोबलेंस। तो यहीं कहीं हम लोग ने रखा था अपना रॉक रोस्ट। कहाँ गया? डोंट टेल मी वो रॉक रोस्ट कहीं गिर गया है, क्योंकि रॉक रोस्ट गिर जाने का मतलब है कि जब तक मैं रॉक रोस्ट वापस आऊँगा आई एम श्योर दे विल स्पॉन बैक अगेन। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपेंड गाइस। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई मेरा रॉक रोस्ट उस जगह पे नहीं है। अब जब मैं यहाँ वापस आता हूँ अपना रॉक रोस्ट उठाने, एक दूसरा रॉक रोस्ट उठाने, मतलब मेरी फटी पड़ी है कि वापस तो नहीं सारे मोबलेंस आ जाएंगे। फ़िलहाल अभी नहीं दिख रहे हैं, लेट्स होप कि ऐसे ही रहे और हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। ये दोनों भाई खुद से कुछ नहीं होता भाई, ये गोरॉन इतने माइनर्स भी हैं और आलसी भी हैं। मैंने कोई ऐसे माइनर्स नहीं देखे जो इतने आलसी हों, इनसे खुद कुछ नहीं हो रहा। एक ने मुझको बोल रखा है इग्नियो टैलोस को मार के आओ, एक ने बोल रखा है मेरे भाई को बचा के आओ, एक वो शुरू में गब्बर सिंह मिले थे वो बोले यूनोबो को बचा लो, यूनोबो हर थोड़ी देर में फंस जाता था कहीं ना कहीं। अरे ब्रो 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 गया क्या? गया गया गया। ओके ओके, सो आज का एपिसोड मुझे लग रहा है कि ऐसे ही चला जाएगा। व्हाट आई कैन डू, ये मैं पूरा पार्ट जो है वो कुछ फास्ट मोशन में जल्दी से निपटा दूंगा ऐसे करके। तो व्हाट एल्स और क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मतलब बहुत ही वियर्ड है। अभी मुझे नहीं मालूम कि आगे कोई मोबलेन आके ना खड़ा हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं, वी आर नॉट श्योर। और ये वीडियो बहुत ऐसे बेकार में लंबी हो जाएगी। सो कोई बात नहीं है, आराम से इसको फास्ट में निपटा देंगे, जल्दी से पहुंचा देंगे, उनको रॉक रोस्ट खिलाएंगे, श्राइन खुलेगी, निपटाएंगे और आगे बढ़ेंगे ब्रो। यहाँ पे श्राइन मेरे ख्याल से इस रीजन में इसके बाद एक और बचती है, उस एक और श्राइन के लिए देखेंगे हम लोग कि अभी करना है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पूरे रीजन की सारी श्राइन निपटा के और तभी आगे बढ़ें, ऐसा कोई रूल नहीं है। हम लोग को है कि मेन चारों डिवाइन बीस्ट होने चाहिए, सारी श्राइन्स होनी चाहिए, हमारे लिए फ़िलहाल के लिए वही अभी 100% है, बाकी का धीमे धीमे बाद में करते रहेंगे। बट ये बड़ा सा रॉक आ रहा है इसके लिए, हाँ बिल्कुल ठीक, हम लोग बच गए। ये लावा के ऊपर चल के जाने में अलग ही मज़ा आती है, धुआं हुआ निकलने लगता है पर हम लोग हर्ट नहीं होते, तो इसलिए लिबर्टी सी फील होती है। साइड में आप देख रहे हैं गाइस, वो लिजर्ड जो थी हमारी डिवाइन बीच वारुदानिया की जो इमेज बनी हुई थी वो अब रिकवर हो रही है धीमे धीमे। तीन ही हम लोग को शॉट्स मिलते हैं, तीन ही डिफेंस प्रोटेक्टिव शील्ड वो जो हैं, ये मैंने क्या किया, कुछ किया मैंने, हाँ तो वो तीन मिलते हैं हम लोग को जो हम लोग ने तीनों यूज़ कर लिए थे अपनी मोबलिन की लड़ाई में। Finally, I've been waiting on ya. Go on, drop the roast in the pot quickly. सब कुछ हम करें हैं, सफाई भी, शॉपिंग भी, घर का सारा काम हमें करना पड़ता है। It's amazing. This is the finest rock roast I've ever laid eyes on. I'm gonna cook it up right now. टुक 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 टुक, पॉट में जा नहीं रहा, समा नहीं रहा, वो नीचे पानी भी अंदर ही अंदर वो रह गया है, रॉक रोस्ट बन गया। लेकिन अभी इनको खाएंगे, अभी देखिएगा। आई डिड मेक अ डिलीशियसली ग्रिल्ड रॉक रोस्ट। बस उंगलिया जग गए गोंगोरॉन। आई हंगर हेलुसिनेटिंग और डू आई रियली स्मेल डिलीशियसली ग्रिल्ड रॉक रोस्ट। ब्रदर आई एम रेडी, यू आर गोना ईट इट एंड लव इट एंड एवरीथिंग विल बी एज इट शुड बी अगेन। लुक एट दिस, इट लुक्स सो टेस्टी, आई नीड टू ईट इट राइट अवे। कबूतर खा 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 कबूतर, अरे पाप रे पाप, अरे पाप रे, दैट टेक्सचर, दैट क्रंच, ओह एंड दैट ग्रीस फीलिंग एज इट ग्लाइड्स डाउन माय थ्रोट, ओ यस, कांट फॉरगेट दैट सेवरी फ्लेवर ऑफ कंडेंस्ड मिनरल्स सीयर्ड इन हाई हीट टू प्रोटेक्शन टू परफेक्शन, इट्स अ टेस्ट एक्सप्लोजन, बाप रे, इट्स रिस्टोरिंग माय स्ट्रेंथ, आई एम लाइक अ फीनिक्स रीबॉर्न एंड रेडी टू फ्लाई, इन फैक्ट आई एम डेथ माउंटेन। वाह जी वाह, योर कुकिंग इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रदर। ये क्या हो रहा है भाई, मतलब weird as hell. Now I'm fully and I'm full and my belly is happy. Let's do this. अब फोड़ेंगे माइन, अब खोलेंगे माइन को, चलो भाई लग जाओ कहाँ पे, go on power go. क्या, अरे अरे अरे, अरे वाह जी वाह, खुल गई श्राइन, हो खोदा पहाड़ निकली श्राइन, वाओ देयर इट इज, द हीरो सीक्रेट हैज रिवील्ड इटसेल्फ टू मी, वीर्ड, आई फील लाइक गिविंग समथिंग एल्स लाइक दिस बिफोर इन गोस, सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ द हीरो, एंड तो और भी है, एनीवे व्हाट एन अमेजिंग डिस्कवरी, दैट्स माय ब्रदर फॉर यू, हां जी खुश रहो, नाचो गाओ, चलो
चला जाए अपना। ब्रदर्स रोड हमारा कंप्लीट हो गया गाइस, हम लोग आ गए हैं अब अपनी कायरा महाश्राइन पे। ओके, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ करने को होगा। मैं आपको बताऊं कि कुछ श्राइन्स होती हैं वो गॉडेस की ब्लेसिंग्स की होती हैं, जिस श्राइन्स में हमको उनको डिस्कवर करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऑलमोस्ट अ ट्रायल क्रॉस करना पड़ता है। वो श्राइन्स मेजरली जो है वो ब्लेसिंग्स निकलती हैं, माने कि बस श्राइन खुलेगी और हम लोग को सीधा जाके अपनी वो मिल जाएगी। पर पर ये श्राइन वैसी नहीं है, इस श्राइन में करनी पड़ेगी हमें मेहनत। एक बार कर ली है, दूसरी बार फिर करनी पड़ेगी। अच्छा नहीं, ये श्राइन का कुछ सीन दूसरा है, मैं आपको बताता हूँ। वेट, दैट वॉज डम्ब ऑफ मी, लाइक रियली डम्ब ऑफ मी। पहले तो कुछ खा पी लें, क्योंकि दिस श्राइन कैन हिट मी। सो दिस श्राइन का सीन ये है कि आगे से हमारे पास पैसे गिरेंगे, ठीक है, रुपीज़ गिरेंगे हमारे पास आगे से, एंड आवर टास्क इज़ टू कैच द रुपीज़। बस होगा क्या कि रुपीज़ को कैच करने के चक्कर में ये जो बोल्डर्स आ रहे हैं बड़े से, ये भी हमको हिट कर सकते हैं। सो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। देखते हैं कब आएंगे रुपीज़ तो आने को तैयार नहीं। अच्छा, रुपीज़ उधर निकल गए और मैं वहाँ पे था, तो ऐसे ही होता रहेगा, कभी यहाँ पे वो आएंगे और कभी यहाँ पे रुपीज़। ये सारे रुपीज़ थे बीचों बीच और मैं साइड में ही दौड़ता रह गया। अब ये आ रहे हैं तो मैं बीचों बीच वापस आ गया हूँ। सो बेसिकली कुछ नहीं मिला हमें, वी डोंट केयर। हमारे पास पैसा है, हमारे पास स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, सेल ऑफ करने को कोई दिक्कत की बात नहीं है उस जगह पे। तो एनीवेज कोई बात नहीं। देख रहे हो, इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, श्राइन्स कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स, द ईजीएस्ट ऑफ श्राइन्स कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स। कोई बात नहीं, ये हमारी हो गई श्राइन कंप्लीट। एक और हमको मिल जाएगी। इसके बाद आई थिंक हम लोग को वो साइड क्वेस्ट छोटा सा है कर लेना चाहिए। गोरॉन सिटी का चैप्टर एब्सोल्युटली कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट डिवाइन बीस्ट। आई एम नॉट श्योर कि मुझको कौन सा डिवाइन बीस्ट करना है, वो भी क्वेस्ट में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट डिवाइन बीस्ट कौन सा होगा। हॉर्स गेट्स, ओके, हॉर्स कैन ट्रॉट्स एंड गैलप। अभी हमारे पास कोई हॉर्स नहीं है ना, आइस चूचूज भी होते हैं पता है हमको, कोई हमारे पास अभी हॉर्स नहीं है। कटिंग ग्रास से कभी कभी हाइडिंग प्लेसेस निकल के आ जाती हैं, गुड टू नो। ओके, सो एक ये श्राइन हो गई। एडवेंचर लॉक में हमारे पास कोई श्राइन क्वेस्ट नहीं है और हमारे पास जो है कि स्लेटेड फॉर अपग्रेड्स क्योंको कज़न प्ले टाइम जूल ट्रेड है, पर एम्बर्स उतने नहीं होंगे। हाँ, द रोड टू रिस्पेक्ट कह रहा है कि दारुनिया लेक में जाना होगा। ऑल राइट, वो रहा, पर यहाँ से जाना पॉसिबल होगा नहीं। सो वॉट वी कैन डू इज़ एक लंबी सी फ्लाइट जो है हम, नो इवन दैट वुड नॉट बी पॉसिबल एज वेल। तो ऐसा करते कि यहाँ से फ्लाइट पकड़ते हैं सीधा उस पर कूदने की। ओके, सो अब हमारे पास रह जाती है आई थिंक एक और श्राइन इस पूरे रीजन में। आपको बता दूं वो इस जगह है, एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट वी विल पुट अ मार्क हेयर। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग सीधा टावर से ही जंप कर सकते हैं आई थिंक, और मे बी हम लोग ऑलरेडी हायर पॉइंट पे हैं, तो इवन हम लोग यहाँ से भी अगर जंप करते हैं तो शायद वहाँ पे पहुँच पाएंगे। सो लेट्स ट्राई एंड गेट देयर। अगर यहाँ से नहीं होता है तो फिर हम लोग वही टावर से जंप करने वाले हैं वहाँ पे। अब नहीं आ रहे, अब कोई मोबलिन नहीं आएगा, पहले वो 36 बार स्पॉनिंग कर रहा था। गेम भी मतलब जो AI है इस गेम की काफ़ी स्पॉट ऑन है, मैं आपको बताऊं। इसको पता नहीं कैसे पता तो चल ही जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ और कौन सी पोजीशन पे हूँ, कितनी प्रोग्रेस कर ली है हमने। इवन जो मोबलिन्स और सब आते हैं, ऐसा जैसे कि पोकेमॉन में आप जानते हो कि लेवल्स जो है वो बढ़ता जाता है जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं, इसमें आप जहाँ भी जाओगे आपका जो लेवल है उस हिसाब से आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर मामला दूसरे तरीके से है। वो नीचे लूमियस स्टोन्स चमक धमक रहे हैं, मुझको यहाँ पे रुक के एक बार, शायद नहीं, कोई बात नहीं, फाइन। हम लोग हाँ, तो श्राइन नियर बाय टिमटिमाने लग गई है, अच्छा किया टावर तक जाने की हम लोग ने टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा यहाँ से हम लोग अपनी श्राइन तक पहुँच सकते हैं। वो रही सामने, दिखने भी लग गई है, वाह नीचे काफ़ी कुछ हो रहा है यार, काफ़ी अच्छा। फायर एलिमेंट्स ही हैं और लिजाफ्लोज भी हैं और मतलब बेसिकली नीचे कुछ चल रहा है। आई थिंक यहाँ पे कुछ ज़रूर होगा हमारे लिए, पहले श्राइन करते हैं फिर देखते हैं कि कैन वी अफोर्ड टू गो एंड एक्सप्लोर मोर।
on that side. Kuwarayim Shrine. Kuwarayim Shrine. Okay. कटिंग ग्रास, अभी तो बताया आपने कटिंग ग्रास क्या होती है, कुछ भी रिमोट बॉम्ब बताओ, हद हो गई। टिप्स पे इनको थोड़ा काम कर लेना चाहिए था, क्या कौन से टाइम पे क्या टिप देनी है। अ बैलेंस्ड अप्रोच, सो आई थिंक यहाँ पे जो है हमें, ऑलराइट कैसे करना होगा ये, मैग्नेसिस ऑन करते हैं तब समझ आएगा कि क्या क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं है। तो बेसिकली मैग्नेसिस तो कह रहा है कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक स्मॉल की मिल जाए इसमें तो एटलीस्ट कुछ आइटम निकल के आए। क्या बाहर ऊपर से निकाल सकते हैं क्या, हम इनको देखें चेक करें, मे बी ऊपर से ऐसे ही निकल आएंगे, नहीं आएंगे। ऑल राइट, एक के ऊपर एक चढ़ा दिया हमने उसे। सो इसको जला के अगर देखें तो हम लोग फायर बॉम्ब से काम हो जाएगा, वी कैन ब्लास्ट इट, क्योंकि वो लकड़ी का बॉक्स है, आई थिंक उसके अंदर कुछ हो सकता है हमारे काम का। इट शुड ब्लास्ट, और वो जैसे ही हटेगा तो आई थिंक वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि उसका वेट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक। तो यहाँ पे एक ट्रेजर है गाइज, आई थिंक इट विल हैव द स्मॉल की, नहीं नहीं आप बैठ जाओ, आई थिंक दिस विल हैव द स्मॉल की वी वॉन्ट, यप एग्जैक्टली, सो वी हैव द स्मॉल की। स्मॉल की से हम लोग अब मेटालिक बॉक्सेस को खोल सकते हैं, एंड और कोई ट्रेजर चेस्ट यहाँ पे मुझको दिख नहीं रहा है, आई कैन नॉट गेट मोर एक्साइटेड अबाउट इट। थ्री बॉक्सेस दिए हैं हमको तो कुछ पर्पस ज़रूर होगा। एक वहाँ पे ट्रेजर वो दिख रहा है जिसके लिए हम यहाँ से इसको अगर दबाएं ऐसे तो नहीं, नहीं वो तो वो ऊपर चला जाएगा, वी हैव टू स्टैंड ऑन दैट प्लेटफॉर्म नो, तो हमको तो एक्चुअली यहाँ से दबाना चाहिए एग्जैक्टली लाइक दिस, हमें इसको नीचे लाना था। और अब इस पर चढ़ना कैसे ये कौन बताएगा हमें। ओके, तो मेरे ख्याल से हाँ वो ऊपर जो वहाँ जब चढ़ जाएंगे हम लोग तो फिर यहाँ पे आ पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल और बॉक्सेस चाहिए हमको, दिस वन ना ना ना, हाँ जी, सो आई थिंक यप दिस विल डू, नीचे आ जाओ, और ये बिल्कुल नीचे आ जाता है सो वी कैन आराम से स्टैंड अपॉन इट। अब इसको हटा के हम लोग आगे वाले पे रख देंगे, यप 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 यप, यहाँ से हम कूद जाएंगे इस वाले पर फॉर आर ट्रेजर। अब इसको भी यहाँ से हटाना होगा, पर हमें सिर्फ हटाना नहीं है इसको, हमको इसको एक्चुअली रखना पड़ेगा सामने वाले के ऊपर सो दैट इट कैन फॉल ऑफ फ्रॉम देयर। यप दिस विल डू, ये आगे हमारा ट्रेजर, ट्रेजर में है नाइट क्लेमोर, इतनी मेहनत हमने की उसके लिए जो हमारे पास ऑलरेडी है, पर हाँ वो शायद ख़त्म हो गई होगी, तो आई थिंक वी कैन ड्रॉप दिस नाइट क्लेमोर ओनली, नहीं नहीं ये ड्रॉप करेंगे 24 लेवल की जो हमारी, ये बोको वाले जो ये वुडन वाले होते हैं ना, मैं आपको बताऊँ वुडन और हड्डी वाले, ये सब ज़्यादा इनसे लगाव नहीं लगाना चाहिए, आगे और अच्छे अच्छे वेपन्स आएंगे इस फील्ड में, लेकिन इनसे लगाव मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि, ठीक है गिर जाओ भाई, क्योंकि फ़ायदा होता नहीं है इन दी एंड, मैंने देखा है, मैं इसको तो गिरा नहीं सकता, इनको यहाँ से ज़रूर हटा सकता हूँ, थ्रो कर सकते हैं ना, यप, तो उनसे इसलिए लगाव नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो जल भी जाएंगे, वो टूट भी जाएंगे, सब कुछ उनके साथ मतलब जल्दी हो जाता है, विच इज़ नॉट वेरी यू नो रिकमेंडेड जब आप गेम बड़ा खेल रहे हो। इसको थोड़ा बस मैं अपने पास लाना चाहता हूँ, और मुझको चाहिए होगा अब यहाँ पे दूसरा बॉक्स भी, क्योंकि मेरे साइड अब वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, और वेट वो मुझको ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर लगे हैं कांटे, उन कांटों से बचने के लिए आई विल नीड समथिंग हैवी फॉर श्योर। तो इसको पहले ही मैं उसके ऊपर बिठा देता हूँ, उस वाले बॉक्स को मैं उसके बाद बिठा दूँगा, आई डोंट थिंक ये इससे ही नीचे आ जाएगा, यस करेक्ट, तो अब मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँगा गाइज, और अब मुझको बस इतना सा करना है कि इस वाले को भी उसके ऊपर रख देना है और मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा अपनी मंजिल पे। ना 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 ना, ये क्या था, ये किया क्या उसने अभी, ये क्या था भाई, ये क्या मतलब, क्या दोनों चुन्नू मुन्नू थे तो भाई, लड़ाई चल रही है, क्या हो रहा है ये, वॉट वॉज दैट,
अभी मैं अब उसको यहाँ पे ला भी रख भी नहीं सकता अभी, तो पहले पास लाना पड़ेगा इसको अपने, ताकि मैं आराम से अपनी पोजीशन पे आ जाऊँ और फिर आराम से उसको रखूँ। इस बार थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा भैया, लड़ो नहीं दोनों, आराम से, दोनों के लिए जगह है उसमें, दोनों के लिए जगह है जी उसमें। हाँ जी 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 एग्जैक्टली लाइक दिस हम लोग को ऊपर जाना है। और अब हमें कांटे अफेक्ट नहीं कर रहे, बस एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दी। ओके, एक चीज़ हमने ध्यान ये नहीं दी कि यहाँ पे हमें गिराने थे बॉम्ब्स, पहले से फोड़ देना चाहिए था हमको, पर हमने वो नहीं किया है। ऐसा करते हैं, पीछे जाते हैं तो शायद हम पर वो बॉम्ब ना गिरे। बिल्कुल सही किया हम लोग ने, करेक्ट डिस्टेंस पे खड़े हुए और बॉम्ब हम लोग पर उस पर अफेक्ट नहीं करा। क्रैक्ड वॉल ओपन हो गई और हम लोग की श्राइन पूरी हो गई। गाइस कॉन्ग्रेट्स, ये श्राइन पूरी होने के बाद आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ भी करने को रह गया है। हाँ, छोटा सा एक काम रह जाता है अपना, वो है मेमोरी। आपको याद हो तो गोरोन सिटी में हमें मिले थे पिकांगो साहब पेंटर, जिन्होंने हमें बताया था कि एक मेमोरी है यहाँ पे, उस मेमोरी को हमें अनलॉक करना होगा अभी इस वक्त। सो ओनली दैट इज़ लेफ्ट। मैं मुझको थोड़ा सा आइडिया है कि वो मेमोरी हमें कहाँ मिल सकती है अभी इस टाइम पर। सो हम लोग स्ट्रेट डाइव करेंगे उसी जगह पर अपनी मेमोरी को देखने के लिए, और रैदर उस मेमोरी के पीछे भी ना पड़ें, क्योंकि वो है कहीं इस एरिया में, आई एम नॉट श्योर वेयर, और वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वी आर स्टक इन एन आइलैंड जो बिल्कुल लावा के बीचों बीच है, तो वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये एक खास एरिया सा दिख रहा है गाइज मुझको, जो अजीब सा है यहाँ पे कुछ। सो मैंने सोचा है कि मैं पहले इसको कवर करना चाहूँगा, और यहाँ पहुँचना भी मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, मुझको सिर्फ अपने डिवाइन बीच वार उदानिया के पास जाना है, जो अभी तक मैंने आपको दिखाया भी नहीं। मैंने सोचा था मैं दिखाऊँगा कि कंप्लीट होने के बाद वार उदानिया पहुँचता कहाँ पर है, पहुँच कहाँ जाएगा वो, तो वो मैंने आपको दिखाया भी नहीं। मैं अभी आऊँगा सीधा वार उदानिया के सर पर खड़ा हो जाऊँगा जाके, और वहाँ से जंप मारेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। ये रहे डिवाइन बीच वार उदानिया इन ऑल इट्स ग्लोरी। यहाँ पे हम उनके सर पे तो अच्छा नहीं खड़े हैं, वो खड़ा हो भी नहीं सकते हम लोग आई थिंक, क्योंकि हाँ, एक डिवाइन बीस्ट के को हम लोग टच नहीं कर सकते, इवन उसके नियर भी हम लोग नहीं जा सकते हैं। दैट्स हाउ इट इज़, कुछ है उसका फंडा। सो बिकॉज क्योंकि उसके में से एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी सी बीम निकल रही है। एग्जैक्टली ये हम लोग को सुनने मिलेगा, द डिवाइन बीस्ट इज टेकिंग एम एट कलामिटी कैनन इन द हायरूल कैसल। तो हम लोग उसके आसपास नहीं जा सकते हैं अभी। व्हाट वी कैन डू कि वी हैव टू स्विंग अराउंड, हम लोग उसके पहले कहीं और ऐसे गोल गोल घूम के और फिर उसके आगे जाएंगे, क्योंकि जाना हम लोग को, मैंने एक रेड मार्कर बना दिया है वहाँ पे है, वो एक अलग सी लोकेशन मुझको दिखी है, तो मुझे लगा आई थिंक कुछ ना कुछ वहाँ ज़रूर होगा, आई हैव टू एक्सप्लोर इट। और ये पॉइंट अच्छा भी है, क्योंकि हम लोग यहाँ से अपनी जो है स्टैमिना को वापस रीफिल कर लेंगे, इस पर्टिकुलर माउंटेन के टॉप पे पहुँच के अपने स्टैमिना को हम रीफिल कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी डाइव्स का भी इस समय डर यही है बस कि हमारा स्टैमिना बहुत अच्छा नहीं है गाइस, और ये काफ़ी असर करेगा। सो लेट्स सी वेयर वी कैन स्टैंड और रिप्लेनिश आवर स्टैमिना। नाउ यहाँ से अब हम जंप करेंगे, और वो हम लोग को स्ट्रेट दिख रही हैं दो श्राइन्स, एक नहीं गाइस, दो श्राइन्स दिख रही हैं हम लोग को, और दो ही हमको चाहिए इस समय अपना स्टैमिना व्हील पूरा करने के लिए, इंटरेस्टिंगली। सो पहले मैं बढ़ूंगा अपने जो है कि लेफ़्ट वाली श्राइन के पास, जहाँ पे मैंने रेड मार्कर बनाया हुआ है, अपने एरिया से डिविएट नहीं होंगे हम, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखें तो बहुत सारी श्राइन्स ऐसे, मैं अगर उस तरफ मूव करता हूँ अपना तो मुझको बहुत सारी श्राइन्स दिखेंगी, लेकिन अगर ऐसे, वो टावर भी दिख रहा है पीछे, अगर ऐसे मैं सबके पीछे भागने लग गया तो कोई मेथोडिकल वे नहीं रह जाएगा इस पूरे एरिया को कवर करने का, पार करने का। तो बेटर कि एक तरीके से चला जाए, एक सिस्टम से चला जाए, और इस रीजन की आई थिंक ये लास्ट श्राइन हमारी पूरी हो जाएगी, इसके बाद इस रीजन में और कोई श्राइन नहीं रह जाती है। कुछ साइड क्वेस्ट बस रह जाते हैं जिनको हम लोग बात के लिए छोड़ सकते हैं फ़िलहाल, और फिर उनको कवर कर लेंगे अगले आगे आने वाले एपिसोड में। मेरी देख रहे हैं आप कैसे स्टैमिना बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ से मुझको ड्रॉप करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैमिना मेरा उतना है नहीं, और बस बिल्कुल गिरते समय इस तरह से मैं अपने आप को रोक लूँगा, दैट्स इट, मैं इतना ही कर सकता हूँ अभी, इससे ज़्यादा मैं अपने पर्टिकुलर स्टैमिना के साथ कुछ और नहीं कर सकता था। यहाँ पे अपड्राफ्ट्स हैं, गट चेक रॉक, ओके, तो इस जगह का नाम है गट चेक रॉक, यहाँ पे अपड्राफ्ट्स हैं, मुझको याद था यहाँ पे अपड्राफ्ट्स हैं, इसीलिए मैं जल्दी रुक गया,
यहाँ से मैं आराम से ऊपर एक बार में पहुँच जाऊँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाली श्राइन, मैं आपको बताऊँ जब पहुँचेंगे तो आप ख़ुद भी देखेंगे कि कैसे यहाँ पे एक अलग ही तरीके से कुछ होने वाला है। ये महाराज बैठे हैं यहाँ पे हमसे कुछ करवाने के लिए, आई एम श्योर। पंप इट अप ब्रदर, बैगे बैजे। By the gods, I love me some muscle. This right here is our hardcore training ground, String Bean. This is where we come to get ripped and shredded. It's where Goron boys become Goron men, brother. अबे हट यार, श्राइन में जाना है, नौटंकी पेल रहा हूँ। आई एंट मूविंग अ मसल ब्रदर, नॉट अ सिंगल वेल डिफाइंड मसल। There's a special platform, sacred even. Only real Goron men, as decided by us, three Goron blood brothers are allowed. Besides, my little bro is in the middle of training right now. A brother does not interrupt a brother's training, brother. But I gotta say, you do seem like a real man of action, almost like you have a Goron air around ya. I like it. So what are you waiting for, brother? Get training. Yeah, that's it. If you can clear our hardcore training program, I'll move out of your way. Count me in, brother. Count me in, brother. मैं बोल रहा हूँ। हाँ, good answer, brother. We're gonna shred you to pieces, little man. Prepare your tiny self. Okay, let me explain how this hardcore training works. The rules are dead simple. Simple as a deadlift, brother. Starting from the bottom, you gotta climb up here within the limit, within the time limit. But don't fool yourself thinking it's only a climbing challenge, little man. You've got to pick up rupees as you go. Get up the cliff within the time limit and grab a passable number of rupees. Do that and you pass the test. All right. If you run out of time or decide to give up halfway through the climb, you'll have to return all the rupees you picked up. That's life, brother. That's life, brother. We're gonna help you push past your limits, brother. Your physical, mental, and emotional limits. Okay, enough messing around. It's time for the hardest of hardcore feats. Get gut check challenge. Okay, so that's why the gut check rock. The gut check challenge right quest has started. Oh, almost forgot a tiny detail, tiny man. No train, no gain. No pain, no stay. So yeah, it's 20 rupees per attempt. You wanna summer this, brother? Okay, ठीक है, शुरू किया जाए भाई। We've got to collect 100 rupees as you climb. A hardcore Goron man should be able to handle that, no problem. Even if you reach the goal before time runs out, if you don't grab enough rupees, you fail. Don't fail, brother. Got it? Good. Then it's finally time for gut check challenge. Good. अरे बाप रे। So, हम लोग को करना पड़ेगा भाई साहब अब gut check challenge. 3, 2, 1 and go. तो यहाँ हमारा टाइम गाइस स्टार्ट हो गया है। पूरे 3 मिनट हमको मिले हैं इस पूरे पहाड़ को क्लाइम करके ऊपर पहुँचने के। ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बीच में हमको मिलेंगे हमारी मदद करने के लिए, जो थोड़ी थोड़ी देर में आएंगे। मेरी स्ट्रैटेजी इसमें छोटी सी ये रहेगी कि मैं ये ग्रीन रुपीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं ऊपर जाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपको बेटर रुपीज़ मिलने लगते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमको ब्लू रुपी यहाँ पे दिख रहा है। सो ब्लू रुपी विल गिव यू 5 रुपीज़, और जबकि जो ग्रीन रुपी है वो आपको देता है सिर्फ 1 रुपये। सो मैं कोशिश करूँगा कि बड़े बड़े पैसों पे हाथ मारूँ, जिससे कि कम मूवमेंट में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल पाए। इस ब्लू रुपी के बाद मैं प्लेटफॉर्म पे खड़े होने का कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारा जो स्टैमिना है वो हम लोग को ले डूबने वाला है। ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग कुछ खा सकते हैं। आई थिंक वी स्टिल हैव सम मील्स, मैंने स्टैमिना श्रूम से बनाए थे, तो वो श्रूम्स, वो मील्स हम लोग खा सकते हैं, उससे हमारा स्टैमिना तो रिप्लेनिश हो जाएगा। ये देखिए रेड रुपी भी आ गया है गाइज। रेड रुपी मैं आपको बता दूँ, आई थिंक 10 रुपीज़ का होता है, 10 or 20 रुपीज़ समथिंग का ये रेड रुपी होता है। बहुत ही केयरफुली पतला सा ये रास्ता है, मुझे बड़ा डर लगता है इससे। ये हम लोग आ गए हैं वापस अपने ट्रैक पे 20 रुपीज़ उठा के। अब हमको उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है जल्द से जल्द। बस वही है कि जल्दी हम लोग मचा नहीं सकते, हमारे पास स्टैमिना है नहीं ज़्यादा कि हम लोग जल्दी जल्दी कर लें। कोई बात नहीं है, ब्लू रुपी उठाते हुए इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, रेड रुपी लेंगे, और उसके बाद आगे रेड रुपीज़ ही दिख रहे हैं बहुत सारे हमको, तो काम अपना बन जाना चाहिए। 38 में 20 ऐड करो तो 58 तो ऑलरेडी हमारे पास हो जाएंगे। प्लस विद दिस ब्लू रुपी वी विल हैव 38 + 5 = 43 रुपीज़। सो ये वी हैव 43 रुपीज़ गाइज। यहाँ पे रेड रुपी हमको एक प्लेटफॉर्म पे ही रखा मिल गया है।
मे बी मैं रुपीस कलेक्ट कर लूँगा, बट एक मिनट में अब ऊपर पहुँच पाना मुझे अपना बहुत मुश्किल दिख रहा है, जो सही बात है। ये हो गया मेरे पास, अब जो है इतने रुपए बन गए हैं, एक रेड रुपी और उठाते हैं जल्दी से। यहाँ पे अब दूर दूर तक आगे तक मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा है, सो हमारी अब वी विल हैव टू रिलाई सोलली अपॉन आर स्टैमिना मील्स, अगर हमारे पास हैं तो, अगर नहीं है तो बात ही ख़त्म हो जाती है। मनी में तो सिर्फ हमको ये रेड रुपी और चाहिए और हमारा काम हो जाएगा। आई थिंक वी विल बी एबल टू डू इट, आई थिंक वी हैव डन इट, क्योंकि आ गए हम लोग, हमारे पास 103 रुपए हैं। लेट्स सी इसका रिएक्शन क्या होता है। Goal! That was glorious. Nice going, brother. Now let's see how many rupees you scored. Looks like you got 103 rupees. Unbelievable. You've passed our training with the grit of a true Goron, my brother. In fact, you've earned the right to call yourself the fourth Goron blood brother. As promised, you are now allowed to stand on this sacred platform of Goron manliness. A real honor, I know. You're officially one of us now, our true Goron brother. Brother, welcome to the family. Any good news for, and good news for brother, that means you can do the gut check challenge all you want. As a Goron blood brother, you're ready for the hard stuff. Just let me know when you're pumped enough to try it. Alright, so we have completed the gut check challenge. Ab hum log ko ye isko shrine mein enter karne de dega. We are sacred enough to enter the shrine now. Sacred enough. देखते हैं ये श्राइन ब्लेसिंग्स होने वाली है कि नॉर्मल निकलने वाली है। आई थिंक पिछली बार धोखा हम लोग ने खा लिया, इस बार ये ब्लेसिंग्स ही होगी, क्योंकि बहुत मेहनत करवा ली यार इसने पहले से। अब ये हमको श्राइन में भी मेहनत कराएगा तो मुझे रोना आ जाना। मेरे ख्याल से ब्लेसिंग्स होगी। यस एग्जैक्टली, इट्स गोरा टोर्स ब्लेसिंग्स, हमारी पहली ब्लेसिंग श्राइन है। जैसे मैंने बताया था आपको, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली जो है आपको एक अपना ट्रेजर उठाना है, ग्रेट फ्रॉस्ट ब्लेड। ऑलराइट, आई थिंक आई विल ड्रॉप दिस स्वॉर्ड ओनली, क्योंकि 20 लेवल की स्वॉर्ड है, बहुत सारी ऐसी मिलने वाली हैं आगे। तो ग्रेट फ्रॉस्ट ब्लेड जो है, दिस मैजिक इन्फ्यूज ग्रेट स्वॉर्ड वॉज फोर्स्ड बाई स्मेल्टिंग स्मेलिंग ओर फाउंड इन द हिब्रा माउंटेन्स। ओके, परमा फ्रॉस्ट अटैक व्हेन द ब्लेड ग्लोज ब्लू टू एक्सपेल फ्रीजिंग एयर। ऑलराइट, पीपल को जमा देगी लोगों को ये, जैसा कि हमारा आइस आरो करता है, लोगों को जमा देगी ये। और इसके बारे में एक बात आपको बताऊं, अगर दूसरी बार आपने मारा जमे हुए इंसान को, अगर आपने यही ब्लेड वापस मार दी तो फिर कुछ नहीं होगा, वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। उसकी जो आइस फ्रीजिंग फ्रॉस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये थोड़ा अजीब लगा था मुझको। पैराग्लाइडर के बारे में बता रहे हैं हमको ये। बेसिकली एक और चाहिए भाई जी हमको स्टैमिना व्हील पूरा करने के लिए, विच वी विल गेट इन द नेक्स्ट एपिसोड। आज के लिए ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं गाइस, काफ़ी लंबा हो गया है। सपोज़ काफ़ी मैं स्पीड अप तो इसको करूँगा, बट स्टिल ये लंबा तो हो गया है। फिलहाल इस एपिसोड को यहीं एंड करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, इसके अलावा मैं निंटेंडो के अदर गेम्स जैसे कि पोकेमोन का भी आपको स्टफ़ ला के दिखा रहा हूँ, ट्रेलर एनालिसिस हैं, रिव्यूज़ हैं, एवरीथिंग सो वी नो सो फार वाले वीडियोज़ भी आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। कंटेंट मेरी तरफ से कोशिश रहेगी आपको बेस्ट से बेस्ट मिले। आपको बस सिर्फ और सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को गाइस। मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, सिर्फ आपका जो है कि एक मोटिवेशन मिलेगा मेरे को भी, और मैं इसमें लगा रहूँगा गाइस। अभी इस एपिसोड के लिए कहेंगे सायोनारा, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।